एक एक कर बीजेपी के तीन बड़े नेताओं के बयान सामने आए और तीनों के बयान के सुर आपस में मिलते जुलते नजर आए। मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है। बोलो जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संकलग मोर्चा। अगर ये आजादी के समय सारे मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज तौकीर आजाद जन्म ही नहीं लेता। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%। हम जिला की जिला खो चुका। कोई पर्देदारी नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई संकोच नहीं। एक एक कर तीन नेता बोले, जो कहा दो टूक कहा, तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है? हम यो बोले छे राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनाराओ बोले छे सबका साथ सबका विकास। आर बोलबो ना, बोलबो जो हमारे साथ, हम उनका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संकलग मोर्चा। मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%। हम जिला की जिला खो चुका है, तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। कहने को तो शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर तंज किया, जबकि गिरिराज सिंह यूपी के बरेली के मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर जवाब दे रहे थे और हेमंता बिस्वा शर्मा असम की डेमोग्राफी यानी आबादी वृद्धि के बदलाव पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को लेकर जो कहा वो बात विपक्ष को चुभ गई। भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में 400 पार के सपने के ध्वस्त होते ही अपने मूल स्वरूप में निकल आई। अब कहां गया इनका सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास सबका साथ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आ गए हिंदू मुसलमान पर, आ गए अपने कोर एजेंडे पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज पार्टी हो गई है। जब से उनको 2024 की पराजय का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ताज पे बने हुए महल की तरीके से है, जो धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का जनमानस में कहीं भी इकबाल नहीं रह गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के दिग्गज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सफाई दी है। शुभेंदु ने कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैंने आम लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में नहीं बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ हूँ।